साठी खूप महत्त्वाचा आहे। हा त्यांचा 38वा वाढदिवस आहे। त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांची रुग्ण सेवा, जनसेवा आणि लोकांच्या हितासाठी जे काम करतात ते सदैव काम राहो, चांगलं राहो, त्यांना दीर्घ आयुष्य लाभो ही ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करतो। मी माझ्या कुटुंबातर्फे व शिवसेना कुटुंबातर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो। आई जगदंबा त्यांना उदरदा आयुष्य देऊ आणि महाराष्ट्राबरोबर देशावरचे जे लोक आहेत त्यांना सेवा करण्याची संधी देऊ हीच माझी ईश्वर त्यांनी प्रार्थना असेल। आपण पाहता त्याचे गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रापासून इथे राहतात आणि इथल्या जनहितासाठी कामं करत असतात। मला त्यांचं भरपूर सहकार्य मिळतं, मग तो रुग्णामध्ये असो, सामान्य लोकांच्या सहकार्यासाठी असो किंवा कोणत्याही क्षेत्रामध्ये असो, अशोक अभिषेक सर हमेशा माझ्या मागे उभे राहिलेले आहेत आणि जनसेवा काय हे त्यांच्याकडनं शिकलं पाहिजे असं तुम्हाला बोलतो। त्यांना तुम्हाला पुन्हा त्यांना शुभेच्छा देऊन माझे दोन शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे आपने जो पूछा, ऐसे सीधे सरल लोग ही राजनीति में चाहिए तो ही देश का भला होगा, ऐसे मेरी ख्वाहिश है। और आज तक का वैल्यूएबल टाइम लेके यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है मेरे को बहुत अच्छा सब करना है, तो हमें अप्रिशिएट करता हूँ सर, सबका आई डू री अप्रिशिएट। मैं पार्टिकुलरली बर्थडे के लिए तो मैं कोई विश नहीं मांगता, मेरे पार्टिकुलरली स्पेशली बर्थडे के लिए विश नहीं मांगता। मैं वर्क के ऊपर बिलीव करता हूँ और मैं सोचता हूँ वर्क अगर अच्छा से करे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलना ही, तो मैं विश में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। सब लोग एक एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे सबकी डिस्ट्रीब्यूशन सबकी कंट्रीब्यूट रहते हैं, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकते, टीम वर्क है। अशोक प्रसाद अभिषेक जी राजनीति आना चाहिए ऐसे मेरी ख्वाहिश है। क्या बोले आप? इंक्रीमेंट का वादा जी, ये इंक्रीमेंट जो बोलिए वो आज का नहीं है, उनका जो डील है वो हर दिन इंक्रीमेंट देते हैं। मैं आपको बोल दूं कि जैसा मैंने आपको बोला कि सोशल वर्क के लिए वो आज भी पीछे नहीं है, वो डेली करते रहते हैं, वैसे उनका जो स्टाफ है, जो उनका कर्मचारी है, उनको हर दिन नई एक इंक्रीमेंट मिलती है। आज उनका बर्थडे है, बर्थडे के दिन उन्होंने जो इंक्रीमेंट दिया है वो हमें भी दिया है, वो हमेशा देते रहेंगे और देते आए हैं। ये तो बहुत एक्साइटमेंट है, मेरे को पता नहीं था इतने सारे लोग मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आएंगे, तो ये बहुत छोटा शॉर्ट स्पेस है। अगर पहले पता होता तो मैं स्टेडियम बुक कर लेता। मुझे लगता है काफ़ी सारा लोग आ भी नहीं पाए थे, क्राउड देख के काफ़ी सारा लोग रिटर्न बैक किए, तो नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है बानीखड़े स्टेडियम बुक करना पड़ेगा, लोग इतना चाहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज से लोग आए हैं और काफ़ी सारे कंट्रीज से लोग और भी आने वाले थे, काफ़ी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोविड क्लास यहाँ पे शॉर्ट स्पेस की वजह से काफ़ी सारे लोगों को हमने स्टॉप करके रखा है, तो बहुत अलग 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 दिन। तो नेक्स्ट ईयर हमारा प्रिपरेशन है ग्रांड की, बस अभी जस्ट एक ट्रायल है, तो नेक्स्ट ईयर वी विल बुक ए ग्रांड पैलेस एंड वी विल सेलिब्रेट एन ग्रांड स्पेशल। मुझे लगता है लोग आए अपना काम अपने टाइम से इतना वैल्यू अपने सब अपना, हाँ हर इंसान के लिए एक एक दिन एक मिनट बहुत महंगा है, अपना काम अपना रूटीन छोड़ के गेट टुगेदर हुए अपना काम, आप लोग भी अपना काम अपनी सबको से